ग्वालियर में नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। लड़की के साथ पड़ोसी किराएदार ने दुष्कर्म किया है और नाबालिग लड़की को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया है। पीड़ित ने अपनी आपबीती पुलिस को बताई और केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, साथ ही आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। दरअसल इंदरगंज थाना क्षेत्र के सत्यनारायण की टेकरी पर रहने वाली 16 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ किराए के मकान रहती थी। वहीं आरोपी सूरज कुमार भी किराए से रहता था। लड़की घर पर अकेली थी, इसी दौरान सूरज किसी बहाने से उसके कमरे में घुस गया और उससे जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। जब किशोरी ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। किशोरी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो घर में अकेले सो रही थी और उनके मकान में ही दूसरा एक पास में किराएदार रहता है, उस गेट खुला हुआ था, उसने मौका पाकर अकेलेपन में उसको धमकी देकर, जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह उसने जब परिजनों को बताया तो परिजनों को लेकर फिर उसके द्वारा थाना इंदरगंज में रिपोर्ट की गई। उसकी रिपोर्ट पर से दुष्कर्म व पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। आरोपी जो है मिस्त्री का काम करता है मकान का और रहने वाला मुरैना सबलगढ़ का है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी गई।